The city of Farwell has a dog population of 103,100 dogs and a cat population of 98,975 cats. तो एक फरवेल नाम का शहर है जहाँ पे हमें डॉग्स एंड कैट्स की पॉपुलेशन दे रखी है. तो उस शहर में कुल बिल्लियों की पॉपुलेशन ये 98,975 के बराबर है और कुल डॉग्स की पॉपुलेशन 103,100 के बराबर है. और अगर आप इसे इंडियन सिस्टम में पढ़ना चाहें तो आप इसे 103,100 भी पढ़ सकते हैं. विच टाइप ऑफ पेट डज द सिटी हैव मोर ऑफ, यानी कि हमें ये पता करना है कि उस शहर में कुत्ते ज्यादा हैं या फिर बिल्लियां. तो हमें यहाँ पर डॉग्स एंड कैट्स की जो पॉपुलेशन है इसे कंपेयर करना है. तो चलिए इसके लिए पेन निकाल लेते हैं अपनी. तो हमें डॉग्स की पॉपुलेशन दे रखी है, डॉग्स के लिए मैं डी लिख रही हूँ. डॉग्स की पॉपुलेशन है 103,100 के बराबर. और जो हमारी कैट्स की पॉपुलेशन है, मैं इसे दूसरे कलर में लिखती हूँ, कैट्स की पॉपुलेशन है 98,975 के बराबर. तो हम यहाँ पर इसे भी लिख लेंगे 98,975. तो इन्हें कंपेयर करने के लिए हम शुरुआत करेंगे इनकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यूज को कंपेयर करने से. और हम तब तक इनकी प्लेस वैल्यूज को कंपेयर करते रहेंगे जब तक कि हमें कोई ऐसी प्लेस नहीं मिल जाती जो कि इनमें बड़ी हो. तो अगर हम डॉग्स की बात करें तो इसकी जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है ये है लैक्स में. यहाँ पर वन जो है ये हमारा लैक की प्लेस पे आता है. और यही बात अगर हम कैट्स में देखें, अगर हम इसी प्लेस वैल्यू को कैट्स में कंपेयर करें तो लैक्स की प्लेस पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं यहाँ पर एक जीरो डाल सकती हूँ. इसका मतलब है कि अगर हम इनमें लैक्स की प्लेस को कंपेयर करें तो डॉग्स हमारे 1 लाख हैं और कैट हमारी है 0 लाख के बराबर. और हम जानते हैं कि 1 लाख ये बड़ा होता है 0 लाख से. तो हम कह सकते हैं कि डॉग्स की पॉपुलेशन ये ज्यादा है. यहाँ पर हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे ही हमें पता चल गया कि इनमें से किस चीज की पॉपुलेशन ज्यादा है. तो मैं अपने इस पेन को हटाती हूँ और डॉग्स पे हम अपने आंसर को लगाएंगे और आगे बढ़ते हैं. द टेबल शोज द वेट ऑफ सेवरल एनिमल्स एट अ जू. तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है और कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और इनका वेट यहाँ पर दे रखा है हमें पाउंड्स में. अ हिप्पोपोटामस एट द जू वेज मोर देन द क्रोकोडाइल बट लेस देन द पोलर बियर. तो इन दिए गए एनिमल्स के अलावा एक हिप्पोपोटामस भी है उस जू पे जिसका की वेट क्रोकोडाइल से तो ज्यादा है, लेकिन इस हिप्पोपोटामस का वेट पोलर बियर के वेट से कम है. Fill in the blank with a possible weight for a hippopotamus. तो हमें यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ है और इस दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें एक अंदाजा लगाना है हिप्पोपोटामस के वेट का. हमें दे रखा है कि जो हिप्पोपोटामस का वेट है, हमारे हिप्पोपोटामस का वेट जो है ये क्रोकोडाइल के वेट से ज्यादा है. तो अगर मेरे क्रोकोडाइल का जो वेट है, मेरे क्रोकोडाइल का वेट मैं इधर लिखती हूँ, तो क्रोकोडाइल का वेट इज लेस देन हिप्पोपोटामस का वेट. और हमें ये भी दिया हुआ है इस टेबल में कि क्रोकोडाइल का वेट ये 2200 के बराबर है. तो क्रोकोडाइल का वेट है 2200 के बराबर. और इसी के साथ साथ हमें दे रखा है कि जो हिप्पोपोटामस का वेट है ये पोलर बियर के वेट से कम है. तो यहाँ पे अगर हम अपने पोलर बियर के वेट को लिख लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि हिप्पोपोटामस का वेट इज लेस देन पोलर बियर का वेट. और यहाँ पर हमें हमारे पोलर बियर का वेट भी दे रखा है. पोलर बियर का वेट है 2208 के बराबर. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे हिप्पोपोटामस का वेट ये 2200 और 2208 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है. यहाँ पर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं. और मैं आपको यहाँ पर एक नंबर लाइन बना के दिखा देती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या वेट्स हमारे आ सकते हैं. तो हमारे क्रोकोडाइल का वेट अगर हम एक एंड पे रख दें, हमारे क्रोकोडाइल का वेट है 2200 और हमारे पोलर बियर का वेट है 2208. तो इसके बीच में क्या क्या नंबर आ सकते हैं? इसके बीच में आ सकता है 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, फिर यहाँ पर आ सकता है 2207 और 2208. तो इन दोनों नंबर्स के बीच में ये सभी हमारे होल नंबर्स हैं और इनमें से हमारा कोई भी आंसर यहाँ पर सही ही होगा. तो चलिए यहाँ से हम कोई भी नंबर उठा के डाल देते हैं.
मैं यहाँ से 2203 उठा लेती हूँ और यहाँ पे 2203 डाल देती हूँ। ये मेरे हिप्पोपोटामस का वेट हो सकता है। चलिए इसे चेक करते हैं। और एक आखिरी सवाल और। मिस्टर बीच एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू यूज अ रीडिंग लॉग टू कीप द ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ मिनट्स दे स्पेंड रीडिंग ओवर द समर। तो मिस्टर बीच अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि वो समर में जितनी भी पढ़ाई करें, जितने भी मिनट्स पढ़ाई करें, वो उसका एक हिसाब रखें। तो यहाँ पर उनके कुछ स्टूडेंट्स का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर हमें बताया गया है कि उन्होंने अपनी गर्मी की छुट्टियों में कुल कितने मिनट्स पढ़ाई करी है। पुट द स्टूडेंट इन ऑर्डर फ्रॉम फ्यूएस्ट रीडिंग मिनट्स टू मोस्ट रीडिंग मिनट्स। तो हमें इन तीनों स्टूडेंट्स को इस ऑर्डर में लगाना है कि जिस स्टूडेंट ने सबसे कम मिनट्स पढ़ाई पे स्पेंड किए हैं वो सबसे ऊपर आएगा और जिसने सबसे ज्यादा मिनट्स स्पेंड किए हैं वो सबसे नीचे आना चाहिए। यानी कि हमें इनके रीडिंग मिनट्स को कंपेयर करना है और हमें पता है कि कंपेयर करने के लिए हम इन तीनों नंबर्स की सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से शुरुआत करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो जेस ने 1185 मिनट्स पढ़ाई करी है और किशी ने 990 मिनट्स पढ़ाई करी है और शरी ने 1200 मिनट्स पढ़ाई करी है। तो अगर हम इनके सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पर मुझे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 1000 की दिख रही है। तो यहाँ पर जेस और शरी के केस में इन दोनों ने ही 1000 मिनट्स तो पढ़ाई करी ही करी है, लेकिन किसी के केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 1000 की प्लेस पे कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं 1000 की प्लेस पे 0 डाल सकती हूँ। तो अगर हम कंपेयर करें 0 और 1 को तो 1 बड़ा होता है 0 से, यानी कि हम कह सकते हैं कि किशी के रीडिंग मिनट्स ये सबसे कम है। तो हमारे इस लिस्ट में किशी सबसे पहले आ जाता है। और इसके बाद चलिए कंपेयर कर लेते हैं जेस और शरी को। तो इनके थाउजेंड्स की प्लेस से तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि किसने ज्यादा पढ़ाई करी है, इसलिए हम इनके और छोटे प्लेसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो थाउजेंड के बाद आता है हंड्रेड्स का प्लेस। तो यहाँ पर हंड्रेड्स की प्लेस पे हमारे पास है 1 और यहाँ पर हंड्रेड्स की प्लेस पे हमारे पास है 2 और 200 ये बड़ा होता है 100 से। तो हम कह सकते हैं कि जेस ने शरी के कंपैरिजन में कम मिनट्स लिए हैं पढ़ाई करने में। तो यानी कि किशी के बाद आएगा जेस और जेस के बाद शरी ने सबसे ज्यादा मिनट्स पढ़ाई करी है अपने समर में। सबसे पहले आता है किशी, मैं किशी को ऊपर कर लेती हूँ और किशी के बाद था हमारा जेस और शरी। और एक और बात, यहाँ पर ये मिस्टर बीच नहीं, ये मिस बीच थी। तो हमने यहाँ पर इन तीनों स्टूडेंट्स को इनके रीडिंग मिनट्स के अकॉर्डिंग लगा लिया है और ये सवाल भी हो गया।